खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस में रहकर कट्टर सरकार के खिलाफ अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं, या कोई अपनी अलग पार्टी बनाकर वो कट्टर सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। क्या नाम आपका? मीना। क्या मानना है हुड्डा साहब, ये लड़ाई कैसे अच्छे तरीके? मेरा मानना है कि जी कांग्रेस पार्टी में रहकर अच्छे से लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। हम अपनी बात पार्टी के माध्यम से ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, और अगर पार्टी से अलग होते हैं तो कुछ वोटें जो पार्टी की निर्धारित होती हैं वो वोटें कांग्रेस पार्टी में रह जाती हैं, हुड्डा साहब के साथ नहीं आ पाएंगी। डॉक्टर नवनीत घुमाना। डॉक्टर साहब, हुड्डा साहब लड़ाई कांग्रेस में रहकर अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं, या नई पार्टी बनाने अगर लड़ाई लड़े तब ठीक रहेगा? हुड्डा साहब तो जो है कांग्रेस में रहे तो अच्छा रहेगा इनके लिए, हमारे विचार तो ये है। बाकी दबंग हैं, महापुरुष हैं, कामों के जो अकेला भी कुछ कर सकते हैं, बाकी कांग्रेस में रहेंगे तो मेरे हिसाब से तो इनका लिए भलाई रहेगा। कहते रहे क्या हो गया मीटिंग मारा बोले तू भी, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस में रहे अगर लड़ाई अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं सरकार के खिलाफ, या कांग्रेस पार्टी से अलग होकर? कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए लड़ेंगे, अगर वोट मिलेंगी कांग्रेस में मान लिया जीत भी गई, वो किसी का भी नाम दे सकते हैं चीफ मिनिस्टर के लिए, इसका नाम भी नहीं भूपेगा, वो जरूरी नहीं है भूपेगा नाम लिए। अच्छा, तो आपका मानना है हुड्डा साहब नई पार्टी बनावे और तब कट्टर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े? हाँ जी, मैं ये मानता हूँ कट्टर के खिलाफ इलेक्शन लड़े और नई पार्टी बनाओ। नई पार्टी, हाँ जी। आपका क्या मानना है, क्या नाम आपका? मेरा राजेश खरब। राजेश, क्या लगता जी कैसे लड़ाई लड़ना ठीक रहेगा? लड़ाई नो है बात है, अगर अकेले भी वो करेंगे ना, अपना अलग से पार्टी बनाओगे तभी भी आगे निकल जाएंगे, तभी भी आगे। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी से अलग है अगर हुड्डा साहब लड़ाई लड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी? कांग्रेस पार्टी अगर वो दे देती है इनको, इनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाता है ना, तो ये तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर नहीं दे भी देती फिर भी ये पीछे नहीं रहेंगे, पीछे नहीं। आपका? ओम प्रकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कांग्रेस में रहकर सरकार के खिलाफ अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं, या नई पार्टी बनाकर हुड्डा साहब ये लड़ाई अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं? देखो, हमारे हिसाब से तो कांग्रेस में रह गए ठीक रहेगा, कांग्रेस में रहेगा। अगर नई पार्टी बना लें तो क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत तो खैर नहीं आएगी, दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन उसमें जो अब ऊपर वाले जो इधर उधर बोल रहे हैं उससे तो ठीक रहेगा कि भाई अलग से ही पार्टी बना के लड़े तो भी बढ़िया, तो भी बढ़िया। आपका क्या रहेगा हुड्डा साहब के लिए? हुड्डा साहब ना कांग्रेस छोड़ दे, हरिओम लड़ाई लड़ेगा, हरिश्चम सीट काट देगा, इसम सीट काट देगा। तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को लड़ाई लड़नी चाहिए, आपका ये मानना है? लड़नी चाहिए, लड़नी चाहिए। आपका जगरब क्या मानना? गढ़वाल है जी मेरा। क्या मानना आपका? मेरा मानना ये कांग्रेस पार्टी मैं युद्ध मंदिर निर्दनीय था उठ जाने तैयार नहीं दिया, हाँ उड़ा ने हमारा नहीं दिया और नारण दिया कदे भी। अच्छा। काम करके दिखा रहा के, लेकिन ये ऊपर लेन जुन चाहिए आपस में कर रहे हैं खेटा जितना भी कर रहे हैं। 36 जात कांग्रेस का गया लागी रही पूरी जिंदगी थे, और जितने बने बीजेपी के वोटा था कौन बन रहे, हमने सारी कांग्रेस की एरा की हमारी वोट जीत गई। तो हुड्डा साहब को कांग्रेस में रह गए आपके नजर से ठीक नहीं, अलग होगा लड़ाई लड़ते? अलग होगा लड़ाई लड़ने जब कामयाबी है, जब कामयाबी। और कांग्रेस का तो हूं मैं हारिया पड़िया, हारिया पड़िया कांग्रेस का, हूं मैं अपनी नारा निर्णय उस उठा दे गारंटी अजय एक दिन बिहार ले दो। आपका क्या नाम है? आपका क्या मानना? मानना ये भाई साहब के बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं, ये जो तौर है ना राहुल गांधी ने कांग्रेस का बैठा बैठा दिया, बिल्कुल राहुल गांधी ने बैठा बैठा बाजी का वो माएगी उसकी जगह माएगी के फायदा। तो हुड्डा साहब को कैसे लड़ाई लड़नी चाहिए? हुड्डा साहब उठा करें देखो क्या डिक्लेयर करेंगे अपनी नई पार्टी। आपका? लीला पहलवान। हुड्डा साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं कट्टर सरकार के खिलाफ वो कांग्रेस में रह गए अच्छे तरीके से लड़ सके, या नई पार्टी बना के? ये हुड्डा साहब खुद का दनादार है, सही पार्टी में लड़े लो सही लड़े लो वोट से हुड्डा नाम की कांग्रेस के नाम ही कोई वोट नहीं, हुड्डा के नाम हुड्डा ही नाम से वोट।
हुड्डा ही साथ थे सब कुछ। आप देख रहे हो हल्के की मीटिंग देख, विरोधी हल्के की, कई हजार आदमी थे। वर्कर न्यू खड़ा है, न्यू कत्ती खड़ा है, कत्ती बढ़िया जिताओगे। रामदौड़ साहब भगत से तो कांग्रेस मोर तो इन्हें छोड़ो, हम किस तक कुछ क्या नहीं लड़ा है वो क्या को देख कर उड़ा लेना भाई, उड़ा बढ़िया है तो फिर उड़ा सा भी कांग्रेस में है बेच सको काम दिशा बढ़िया करे पाछ पाँच पाँच साल हो गए लगे बड़का ने किसी ने पक्का करते ना और ना ना तन खबर डालते हाजा ठेकेदार बीच में आंटे बालक भूखे मरते तो उड़ा साहब को फिर कांग्रेस में रह गए नहीं लड़ाई लेनी चाहिए अलग होगा लड़े जब ठीक है क्यों करे भी लड़ो गुड़ा की गेल भाई हम तो उड़ा ही गेल हां किसे पार्टी में रहो किसे में रहो चेन्नई बनाओ किसे नहीं बनाओ हम तो उड़ा की गेल हां क्या नाम है दुष्यंत लखवाल हुड्डा साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं कट्टर सरकार के खिलाफ या जो भी लड़ाई वो लड़ रहे हैं वो कांग्रेस में रह गए अच्छे तरीके से लड़ सके हैं या अलग पार्टी बना गए बनाने में फायदा रहेगा हम हुड्डा साहब के साथ हैं वो अलग पार्टी बनाए तो भी साथ हैं और कांग्रेस में रह गए लड़ेंगे तो भी साथ हैं तो आपका मानना हुड्डा साहब जो फैसला लें जनता उनके साथ है वो उनके साथ है हम हुड्डा साहब के साथ हैं पूरी जनता हुड्डा साहब के साथ है और यही क्या आपका क्या मानना है कैसे लड़ाई कांग्रेस में रहकर ठीक है या दूसरी नई पार्टी बनाकर हम तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के साथ में चाहे अलग बनाओ चाहे कांग्रेस पार्टी में रहो हम तो कांग्रेस हुड्डा साहब के सच्चे सिपाही हैं सच्चे सिपाही आपका क्या नाम है आजाद सिंह खानपुर कानपुर क्या कैसे ठीक रहेगा हुड्डा साहब के लिए हुड्डा साहब के जुर्म मुआवना हम तो उसके पीछे चलने वाले हैं और एक नंबर के आदमी हैं जो कुछ उनका आपका अपना फैसला होगा सबका वही फैसला ये विकास नहीं इससे इससे बढ़िया और कोई आदमी है नहीं और कोई आदमी नहीं हाँ ये थी जनता की राय से हमने जानने की कोशिश की भूपेंद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको वे जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कांग्रेस के अंदर से अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं या नई पार्टी बनाकर अपनी बात को वो अच्छे तरीके से कह सकते हैं तो K9 मीडिया के लिए बड़ौदा भगवान हालके से राजेंद्र कुमार के साथ अरुण दून की रिपोर्ट